हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन अमृत क्रिएटिविटी। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। कई बार क्या होता है कि कई बार नहीं, एक्चुअली में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास जिनसे बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, जिनको हम पहनना पसंद नहीं करते, जिनको हम कैरी नहीं कर सकते, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। लाइक जीन्स टाइट हो गई है, ओल्ड हो गई है, ये रफनेस थोड़ी ज़्यादा हो गई है जिसको हम कैरी नहीं कर सकते, कुछ भी इसका रीज़न हो सकता है। या अब बात आती है कि हम इन ओल्ड जीन्स का बेस्ट रीयूज़ क्या करें। हाँ जी, यही है मेरा आज का टॉपिक कि ओल्ड जीन्स का बेस्ट रीयूज़ कैसे हम कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ अ कैरी बैग आउट ऑफ ओल्ड जीन्स। उसके लिए मैं ये वाली जीन्स का यूज़ तो नहीं कर सकती है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी रफ़ है और रफ़ तो नहीं चलेगी ना बैग में, तो इसलिए इसको रख देते हैं हम साइड। इस जीन्स का मैं यूज करूँगी कैरी बैग को बनाने के लिए। कैरी बैग बनाने के लिए मैं सबसे पहले जींस की सिलाइयों को खोलकर इसको सिंगल पीस में कन्वर्ट कर लेती हूँ। कैरी बैग बनाने के लिए हमने टू पीस कट कर लिए हैं 12x14 इंच के। ये देखिए, टू पीस मैंने ऐसे ये कट। आप चाहे तो इसके अंदर एक लेयर और ऐड करने के लिए आप अदर फैब्रिक भी ले सकते हैं, उसको ऐसे नीचे जॉइंट करके फिर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कटिंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुकी है, जस्ट हमें जो भी करना है स्टिचिंग के टाइम हमें इसमें करना है। और ये वाली पैंट का पोर्शन, ये वाला पोर्शन पैंट का हमारे पास बचा हुआ है, इसको भी हमें फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इसका भी यूज़ बताऊंगी कि इसका भी बेस्ट यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ वीडियो के एंड तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।